हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमंत मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप पोस्ट, पेज और जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, तो मैं यहाँ के सारे ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा और आप उनका यूज कैसे कर सकते हैं उसके भी बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्डप्रेस के डेस्कटॉप पर अगर मेरे चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर जो वर्डप्रेस का यहाँ पर वेलकम टू वर्डप्रेस रखा है, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज वगैरह का ऑप्शन पहले यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टेप वगैरह यहाँ पर सारे बताए गए हैं, एक्शन क्या ले सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट फ्रंट पेज कर सकते हैं या एडिशनल सेटिंग पेज कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स है यहाँ पर जो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं होम, तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो आप डैशबोर्ड पर ही आएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद जो कुछ अपडेट्स वगैरह आए हुए हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपडेट्स वगैरह बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, पोस्ट। तो जो आपका यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपको जो भी आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करते कैसे हैं, तो आपको इसका भी एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कैसे लिखते हैं, कैसे आपको यहाँ सब पब्लिश करना है उसको, क्या आपको यहाँ पर इमेजेस या किस तरह से सब कुछ यहाँ पर आपको पोस्ट में मिल जाएगा देखने। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप ऑल पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी पोस्ट वगैरह दिख जाएंगे। ऐड न्यू का जब आप कोई नई पोस्ट लिखते हैं तो आप यहां से नई पोस्ट लिख सकते हैं। कैटेगरी आपको क्या रखनी है, टैक्स क्या है रहेंगे, तो वो यहां पर सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी और आगे चल के आप नॉर्मली यहां पर इसको समझ पाएंगे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी और ऐड न्यू का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप कोई पोस्ट वगैरह डालेंगे तो आपको वहाँ पर कोई मीडिया वगैरह या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह की ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन के द्वारा आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑल पोस्ट और ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप किस तरह से न्यू कर सकते हैं ये भी मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। तो और उसके बाद आपको यहाँ पर कमेंट्स का है, जो कोई कमेंट्स करता है तो वो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई निंजा फॉर्म वगैरह है जो कि आपके होम पेज पे रहेंगे, और जो कोई कमेंट वगैरह या आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पर इसके ज़रिए फॉर्म्स के ज़रिए कर सकता है। ये जो अपेरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप थीम्स वगैरह, कस्टमाइजेशन विजेट्स, जो मेनूज, हेडर, बैकग्राउंड, थीम्स एडिटर वगैरह, आप यहाँ पर जो भी थीम से रिलेटिव जो भी सेटिंग्स हैं, जो एडिटिंग्स हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद प्लगइन्स होता क्या है, इस बारे में भी आपको मैं अभी बता देता हूँ कि प्लगइन्स क्या होता है। कि आपको अगर कुछ आप यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं कॉन्टेक्ट्स का यहाँ पर कोई पेज बनाता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट पे ले जाने के लिए जो आपको ये प्लगइन्स की जरूरत होती है कनेक्टिंग के लिए, तो यहाँ पर ये प्लगइन्स वो काम करते हैं जो आपको जोड़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर, जो आप खुद का यूजर्स वगैरह ऐड नए यूजर्स कर सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल्स वगैरह है, और यहाँ पर टूल्स वगैरह का ऑप्शन दिया है जहाँ पर आप नॉर्मली जो सेटिंग्स रिलेटिव हैं वर्डप्रेस के, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको वर्डप्रेस रीसेट वगैरह कोई बाय चांस दिक्कत आती है तो वो यहाँ से ही होता है। और जो इसकी नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर आपको जनरल राइटिंग, रीडिंग्स, जो डिस्कशन मीडिया, प्री लिंक, तो परमालिंक्स वगैरह, यहाँ प्राइवेसी जो भी है, यहाँ पर इससे रिलेटिव सेटिंग्स होती हैं। इन सेटिंग्स को भी मैं धीरे धीरे आपको एक साथ सेटिंग्स बताऊँगा तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएंगी, और धीरे धीरे आपको इसके रिलेटिव में जो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पेज को लेकर, पोस्ट को लेकर अलग अलग तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको किस तरह से यूज रहता है। तो नॉर्मली अभी हम यहाँ पर जो फर्स्ट आप चलते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेकर मैं चलता हूँ कि यहाँ पर अपीयरेंस पे, यहाँ पर हम पहले जो काम हमें करना है वो थीम्स पर करना है और कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक थीम्स की जरूरत पड़ती है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, थीम के ऑप्शन पे जाता हूँ। तो थीम्स के ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे ही यहाँ पर थीम्स अपलोड होगी,
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्ले पर कुछ थीम्स वगैरह आ चुकी हैं, तो इनमें से कोई भी एक आपको थीम्स ले लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर इंस्टॉल करते हुए वर्डप्रेस पे तो एक थीम्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था और एक्टिवेट कर दिया था, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारी थीम्स वगैरह यहाँ पर रहती हैं। तो अगर आप ऐड न्यू पे यहाँ थीम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको थीम्स मिल जाती हैं। तो आपको जैसे कि अभी आपके जो ये थीम्स हैं तो ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो ऐड पे मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आप किस तरह से ऐड्स करेंगे इसको, और नहीं लेना चाहते हैं बाकी आपको मैनुअल में आप किस तरह से यहाँ पर अपनी जो थीम्स है डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसको किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अलग से जो वीडियो है मेरा वो आप देख सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको तरह तरह की आप किससे रिलेटेड यहाँ पर बना रहे हैं चैनल, और उसके हिसाब से आप कोई भी यहाँ पर एक थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थीम सिलेक्ट उससे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक थीम से देख लेता हूँ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ टाइप कर देना है, जैसे आप टाइप के रिलेटिव कुछ बना रहे हैं या न्यूज़ के रिलेटिव या कुछ भी आप साइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो आपको जल्दी से आसान से यहाँ पर थीम्स वगैरह सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको नॉर्मली थीम्स मिल पाएगी। आपको इस तरह से यहाँ पर नई थीम दिखाई दे रही तो हम उसको भी देख लेते हैं, आपका इसका व्यू आने दो। तो आपको जिस तरह से यहाँ पर रखनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, यहाँ पर सीधे हम थीम में चलते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको उसको क्लिक कर देना है और एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पसंद आएगी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और एडिट आप यहाँ पर फुली किसी भी यहाँ पर थीम्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल आ रही तो हम इसके लिए यहाँ थोड़ा सा बैक कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम थीम पे क्लिक कर देते हैं यहाँ साइड पर अपीयरेंस पे, और डायरेक्ट हम थीम वाले ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात करने वाला था वो कस्टमाइजेशन की करने वाला था। तो जो थीम पहले तो हमें न्यू थीम सिलेक्ट करनी होती है, जो पहले हमने सिलेक्ट कर ली थी अगर आपने बस पे इंस्टॉलेशन देखा है तो। मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे यहाँ पर जो कस्टमाइज है उस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं कस्टमाइज सेटिंग्स के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ। तो फ्रेंड है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थीम यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, तो इसको कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो आपकी वेबसाइट का नाम है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो आपने टैगलाइन दे रखी है वो चेंज कर सकते हैं जो मैंने उसमें दी थी, और आपका जो होम है ये यहाँ पर होम आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो आपकी ये प्राइमरी मेनूज हैं तो इन्हें आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में इसका हेडर का भी आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं आप कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कस्टमाइज में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेनूज वगैरह का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप जैसे प्राइमरी का ऑप्शन दिख रहा है तो ये यहाँ पर प्राइमरी का होता है, और तो अभी जो मेनूज वगैरह हैं आप यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर जो अभी प्राइमरीज के यहाँ पर आपको मेनूज दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर हेडर में चाहते हैं जो कि अबाउट डेस्क यहाँ पर प्राइवेसी वगैरह पॉलिसीज़ के होता है, टर्म एंड कंडीशन वगैरह होता है, उसके लिए हमें फुटर वगैरह या उस पर हेडर में यहाँ पर इसको रखते हैं तो उसको भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्मली आप बता रहा हूँ तो आप यहाँ से ही जाके उसको बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ बनाता हूँ जो इसके टैक्स और यहाँ पर जो इसके मेनूज वगैरह हैं तो उसके लिए आपको वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपसे यहाँ से ही जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर नॉर्मली ये कस्टमाइजेशन से लेके मेनूज वगैरह के जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सेटिंग आपको बताई हैं, इसके लिए अगर आप प्रॉपर यहाँ पर कस्टमाइजेशन की सीखना चाहते हैं तो हमारे और भी वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपको कस्टमाइज का वीडियोज़ मिल जाएगा, और वहाँ पर आप किस तरह से आपको यहाँ जो प्राइमरी हेडर या फुटर वगैरह जो आप यहाँ पर मेनूज किस तरह से आपको एडिट करना है या ऐड करना है तो वो सीख सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।